हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज का टॉपिक है व्हाट इज मॉडल सिलेक्शन। दोस्तों उससे पहले मैं आपको कह दूं कि यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने आपको सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग की टेक्निकल टर्म्स बताई थी कि कैसे वो वर्क करता है मशीन लर्निंग में, यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, बिकॉज उसके बाद ये वाली वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा ईजी वे में समझ आ जाएगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडल सिलेक्शन की डेफिनेशन से। मॉडल सिलेक्शन इज अ टास्क ऑफ सिलेक्टिंग अ स्टैटिकल मॉडल फ्रॉम अ सेट ऑफ कैंडिडेट मॉडल्स गिवन डाटा। मतलब कि हमने अपने डाटा के हिसाब से जो भी हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं उनमें से एक मशीन लर्निंग मॉडल को चूज करना है और उसे कैसे परफॉर्म करना है वो सब किसके अंडर आता है, मॉडल सिलेक्शन के अंडर। ठीक है, ये होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन, जो कि आपको मतलब थ्योरी में यदि कह दें कि थ्योरी में मॉडल सिलेक्शन क्या होती है तो यही होते हैं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एल्गोरिथम्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि रिग्रेशन की बात करें, आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल रिग्रेशन है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, SVR है, स्पोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, मतलब कि बहुत ही सारे हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं। ठीक है, ये तो अकेले रिग्रेशन के हैं, क्लासिफिकेशन के भी अभी आएंगे, उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग के भी आएंगे। ठीक है, मतलब कि हमारे पास टर्न्स ऑफ टर्न्स एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, उनमें से हमने चेक करना है कि हमारे डाटा किस हिसाब से कौन सा मॉडल है वो एक्यूरेट है, मतलब कि ये ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स दे पाएगा। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं मॉडल सिलेक्शन को। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है मशीन लर्निंग में। ठीक है, ये आ गई हमारी मॉडल सिलेक्शन। सबसे पहले हमारा होता है, जैसे कि हमारे पास डाटा है गिवन दिया हुआ है, जैसे मैं आपको पहले टेक्निकल टर्म थोड़ी बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास डाटा है जहां पर मैंने साइज ऑफ द हाउस लिया और प्राइस ले लिया हाउस की। ठीक है, यहाँ पर 2104 फीट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एरिया गिवन है हाउस का और प्राइस गिवन है हाउस का। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ये जो सी डाटा गिवन है आप देख सकते हो इसमें कितनी रोज है, 1, 2, 3, 4, मतलब कि ये हमारा क्या है, ट्रेनिंग डाटा, क्योंकि इस डाटा को हम मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे ताकि वो हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके। मतलब कि यदि हम कोई और हाउस का एरिया लेकर आए तो वो एस्टिमेटेड प्राइस बता सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, जितना भी ट्रेनिंग डाटा होता है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग डाटा को, ट्रेनिंग सेट को या फिर ट्रेनिंग डाटा को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। आप जहां भी एम देखोगे मतलब कि उसका मतलब सेम ही है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग डाटा की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेट जो भी हमें गिवन है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स और वाई। एक्स वो वाली टर्म्स होती हैं जिसे हम एज अ इनपुट देंगे। ठीक है, इन सब चीजों को हम एज अ इनपुट देंगे, और वाई में वो वाली टर्म्स होती है जिसका हमें एक्चुअल में प्राइस पता हो। ठीक है, मतलब कि जिसे हमें प्रेडिक्ट करना हो, मतलब कि मशीन लर्निंग मॉडल में हम साइज ऑफ द हाउस देंगे और वो इस प्राइसेस को एनालाइज करेगा, उसके बाद ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करेगा जिसके बाद यदि हम कोई न्यू हाउस का एरिया इंसर्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, प्राइस को प्रेडिक्ट कर देगा। ठीक है, एक तरह की जो सी एक्स है वो इनपुट सेट है और जो सा वाई है वो एक तरह का आउटपुट सेट है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि सिंपल वर्ड्स में ये टेक्निकल टर्म्स क्या क्या होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मॉडल सिलेक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट कौन सा होता है, वही जो सा हमने अभी चेक किया था M। ठीक है, वहां पर हमें 4M की वैल्यूज थी। ठीक है, डाटा हमारे पास कितना था, 4। ठीक है, आगे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फेस आता है हमारा एल्गोरिथम को सिलेक्ट करने का, लर्निंग एल्गोरिथम, हम कौन सा एल्गोरिथम को अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेनिंग सेट के ऊपर। ठीक है, आगे उसके बाद ट्रेनिंग सेट के ऊपर यदि हमने मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट कर दिया, उसके बाद हमारा क्या क्रिएट होता है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कुछ नहीं होता, बस जो हमने जो मशीन लर्निंग ने लर्न किया ना उसे हम हाइपोथेसिस कह देते हैं। ठीक है, इसका कोई एक्चुअली आप सोच रहे हो कि इसका नाम हाइपोथेसिस ही क्यों होता है, इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, बस आपने बस ये समझ लीजिए हाइपोथेसिस का मतलब है जो भी हमने मशीन लर्निंग ने जो भी सीखा है वो किसके अंडर आता है, हमारे हाइपोथेसिस के अंदर। ठीक है, आगे हमारे पास आता है, अब हमने क्या करना है, साइज ऑफ द हाउस इनपुट करनी है। ठीक है, इनपुट की किसमें, हाइपोथेसिस में, मतलब कि ये जो सा साइज ऑफ द हाउस है ये हमारा न्यू साइज ऑफ द हाउस है, मींस कि ये जो सा हमारे पास ट्रेनिंग सेट था उसमें जो भी डाटा था उसके अलावा हमने एक नया हाउस का एरिया इनपुट किया
और ये वाला मशीन लर्निंग मॉडल जो उनका हाइपोथेसिस है वो उसे एनालाइज करेगा और क्या करेगा, हमें एस्टिमेटेड प्राइस हमारे सामने शो कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया कि मॉडल सिलेक्शन होती क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स में एंड सिंपल स्ट्रक्चर क्या है इसका। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि मॉडल सिलेक्शन क्या होती है। जो सा मर्जी लर्निंग एल्गोरिथम हो वो इसी मॉडल सिलेक्शन पर ही बेस्ड होता है। मतलब आप यहाँ पर मशीन लर्निंग में जितने भी मॉडल्स करोगे, ठीक है, चाहे वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, वो सारे किसके अंडर आएंगे, कैसे वर्क करेंगे, इसी तरह इसी प्रिंसिपल वर्क पर वर्क करेंगे मॉडल सिलेक्शन की। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि मॉडल सिलेक्शन क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।